लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक हुए थे, पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, क्लियर? वो सॉल्व हो गया ना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है। इफ ए प्लस आई, ए मतलब एक मैट्रिक्स होगा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद आ रहा है 1 0 0 ऐसे कुछ, सब 1 और 0 होते हैं उसमें, डायगोनली 1 होते हैं, क्लियर। ए प्लस आई इज इक्वल टू, ये दिया आपको, फाइंड द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। अब जो प्रोडक्ट निकालना है दैट इज ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई, ये हमें प्रोडक्ट निकालना है, ओके। उसमें से ए प्लस आई उन्होंने दिया है, गिवन है, बट ये नहीं दिया है। देखो ए माइनस आई मेरे पास नहीं है, तो मेरा काम क्या है, पहला इसको निकालना, ए माइनस आई को निकालना है, क्लियर। अब ए माइनस आई को कैसे निकालोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा, इजी, कैसे निकालोगे, ए प्लस आई से ही निकालना है, तो ए माइनस आई निकालना है, तो सोचो। देखो सोल्यूशन, समझो आपको ए प्लस आई दिया है ना, ये मुझे यहां पे ए माइनस आई चाहिए, तो ए प्लस आई में से मैं अगर 2i माइनस करता हूं तो ए माइनस आई बन जाएगा। देखो ए आई माइनस 2i इट इज माइनस है, तो ए माइनस आई ये बन जाएगा ना, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है, ए प्लस आई में से 2i सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए प्लस आई क्या है, ये बराबर लिख दो, ये 120542 एंड 07 माइनस 3, दिस इज ए प्लस आई, ये मैंने लिख दिया, ओके। उसके बाद माइनस 2i, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर। और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे पता है कि a माइनस आई ही मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद, ओके। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, सो 120542 ये कॉपी करना पड़ेगा सब, हाँ, इसमें से माइनस, ये 2 अंदर गया तो 200020 एंड 002, क्लियर। अब सब्ट्रैक्शन तो आता है, पोजीशन में सब्ट्रैक्शन होगा, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, क्लियर, कितना आएगा -1। उसके बाद ये 2 माइनस 0 सिंपल 2, ये 0 माइनस 0 0, यहाँ पे भी नहीं चेंज होगा कुछ, हाँ 4 माइनस 2 सिंपल ये 2 बन जाएगा। उसके बाद 2 माइनस 0 यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, ये दोनों भी चेंज नहीं होगा। अब देखो -3 माइनस 2 -5, वेरी गुड, ये -5 हो गया, अब मुझे ए माइनस आई मिल गया। अब मैं आराम से ये प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो नाउ ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई, ए प्लस आई इज ये दो, ए प्लस आई क्या दिया उन्हें, 120542 और 07 माइनस 3, दिस इज ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई, ये अभी निकाला, -120522 एंड 07 माइनस 5, क्लियर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ए प्लस आई, दिस इज ए माइनस आई। अब मल्टीप्लिकेशन आता है, लास्ट लेक्चर में सीखा था रो बाय कॉलम, थोड़ा सा रिवाइज भी करता हूँ। चलो क्या करते हो, इसमें से इसका फर्स्ट रो उठाओगे, क्लियर, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ, कैसे होता है, पोजिशन वाइज, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद फर्स्ट नंबर, क्या आएगा -1, 2 5 है ये 10, बाद में 0 × 0 सिंपल 0। सेम रो सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद फर्स्ट नंबर 2, बाद में ये 4 आएगा, उसके बाद बोलो 0 सिंपल, आगे भी देखो ये 0 उसके बाद 4 उसके बाद 0, करेक्ट है। अब एक रो अगर 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा सेकेंड रो के पास, इसके पास, ये भी सेम इन तीनों को आराम से मल्टीप्लाई करेगा एक एक करके, ठीक है। तो इनका क्या आएगा, -1 -5, सॉरी ये 20 और ये 0, ये देखो कितना आएगा 10, उसके बाद 8 और 14, ओके ये बोलो कितना आएगा 0, वेरी गुड, 8 उसके बाद 4 ना, नहीं नहीं -10 -10, ओके खत्म। ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब थर्ड रो इसको उठाओ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, चलो बताओ, पहला वेरी गुड, आगे हाँ उसके बाद 0, नेक्स्ट बोलो 0 14 माइनस
21 एक नंबर आगे, हाँ 14 प्लस 15 ना, प्लस 15 क्लियर। चलो एडिशन करते जाओ, मुझे सिर्फ नंबर बता देना फास्टली, बोलो प्लस 9 माइनस 9, प्लस 9 वेरी गुड। आगे 6 ओके 4 15 कितना आएगा ये 22 32 करेक्ट है। उसके बाद माइनस 2 ये 35 हाँ, माइनस 7 माइनस 7 ओके ये 29 सिंपल है हो गया आंसर समझा लिखो। ओके क्वेश्चन 8 देखो यहाँ पे दिए एक ए मैट्रिक्स है, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4 ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स ये जो आएगा ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स पता है ना डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सेम है पर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो ये सब जीरो होने चाहिए क्लियर। वो देखते हैं सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो आपको क्या दिया है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4 ए इतना पार्ट दिया ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ए स्क्वायर मतलब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर समझते हैं, मतलब ऐसा अज्यूम करेंगे 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 यहाँ पे भी 2 का 4 ये 4 बन जाएगा ऐसे। तो ए स्क्वायर ऐसे नहीं होता है मैट्रिक्स में, हाँ अलजेब्रा में करेक्ट है कि हाँ फाई का स्क्वायर बोला डायरेक्ट 25 लिख दिया ठीक है। बट अब जो फाई का स्क्वायर जब बोलते हो तो आप फाई इंटू फाई करते हो ना तब 25 है। तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर मतलब इन शॉर्ट क्या होगा ए इंटू ए होगा, समझ में आया ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा ए इंटू ए माइनस ये 4 ए क्लियर है यहाँ तक ठीक है। चलो सॉल्व करते ए इंटू ए मतलब एक ए मैट्रिक्स दैट इज 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 ये बन गया ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 ए इंटू ए माइनस 4 ए 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 ये सिर्फ मैंने लिख दिया अरेंज कर दिया ये सबको क्लियर है। मैंने इसके जगह ये लिख दिया क्लियर, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ फटाफट करते जाओ। चलो रो बाय कॉलम एक रो एक कॉलम उठाओ आप एक अच्छा ये रो उठाओगे ना ओके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो फटाफट नंबर बता दिया क्या आएगा फर्स्ट 1 उसके बाद 4 उसके बाद 4 करेक्ट है। सेम यहाँ पे देखना बोलो 2 2 प्लस 4 ठीक है। यहाँ पे देखना ये 2 4 2 करेक्ट है ठीक है। सेकेंड रो मतलब इस रो को अब उठाओ सब कॉलम से आराम से मल्टीप्लाई करते हो बोलो नंबर 2 वेरी गुड 2 4 ओके। यहाँ पे बोलो 2 नहीं 4 1 4 4 1 4 ओके बोलो 4 2 2 ओके बोलो 4 नहीं ये इसके साथ ना 2 4 2 ये प्रैक्टिस करना आराम से आना चाहिए हाँ। इसके बाद ये इन दोनों का है यहाँ पे देखते हैं आप बोलो 4 उसके बाद 2 2 करेक्ट है बोलो ये और ये 4 4 1 चलो माइनस 4 यहाँ पे 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट इज सिंपली 4 8 8 8 4 8 एंड 8 8 4 4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में ना पूरा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है 9 ये 9 ना ये 8 8 8 9 8 देखो ये कितना आएगा 8 8 8 9 8 और ये 8 8 9 माइनस ये सब 4 8 8 8 8 sorry 8 4 8 and 8 8 4 क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स आएगा। देखो कैसे 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा सिंप्लीफाई अब बाकी देखो ना 8 minus 8 8 minus 8 सीधा 0 और बाकी सब ये देखो ऐसे आंसर आते हैं बराबर समझा। सो इट इज स्केलर मैट्रिक्स तो यहाँ पे लिखना इट इज स्केलर मैट्रिक्स।
चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें दिया आपको ए मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब आसान होगा। फाइंड के, के की वैल्यू निकालनी है, सो दैट ए स्क्वायर माइनस 8 ए माइनस के, ये के निकालना है आपको, के इंटू आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज करके हमें के निकालना है। तो उन्होंने तो पहले दिया ए स्क्वायर माइनस 8 ए माइनस के है, माइनस के है ना रे, कि प्लस के है, हाँ माइनस के, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो ना। तो ए स्क्वायर जीरो ही होगा, ठीक है, नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओ इज अ नल मैट्रिक्स, ओके, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए, 8a माइनस के आई इज इक्वल टू, चलो ये o, ठीक है। आगे इन्फॉर्मेशन दिया है कि i इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड o इज अ नल मैट्रिक्स, ये इन्फॉर्मेशन है, क्लियर। तो a इंटू ए, ये समझा ना, a इंटू ए, a के जगह लिखो फटाफट ये 10 माइनस 17, दिस इज a इंटू ए माइनस 17, सॉरी माइनस 17, a इंटू 8 किया 8a, a के जगह फिर से 10 माइनस 17, ओके माइनस के आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 एंड ओ के जगह नल मैट्रिक्स, क्लियर। सिंपली इसको सॉल्व करते जाना है कि आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट रो बाय कॉलम बोलो नंबर, हाँ फर्स्ट आएगा 1, वेरी गुड, प्लस 0 या फिर माइनस 0, कुछ भी लिखो, ये क्या आएगा 0 प्लस 0 बराबर, ये आएगा माइनस 1 और ये माइनस 7, 0 प्लस 49 ना, ओके माइनस, ये सिंपल 8 अंदर मल्टीप्लाई करो, सो 80 माइनस 8 56, ओके और यहाँ पे के अंदर मल्टीप्लाई क्या आएगा, के 0 0 के और ये 0 0 0 0 सिंपल, ओके डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा 1 ना, तो 1 माइनस 8 कितना आना चाहिए, माइनस 7, करेक्ट है, ये 0 आएगा, 0 माइनस 0 सिंपल 0, ये कितना आता है माइनस 8, माइनस 8 ये प्लस 8, प्लस 8 क्यों बोल रहा हूँ समझ में आया, माइनस माइनस प्लस, माइनस 8 प्लस 8 0 सिंपल, 49 माइनस 56 7, माइनस में 7, ठीक है। तो ये हो गया, अब आगे क्या लिखेंगे, के 0 और 0 के और इस तरफ 0 0 0 0 सिंपल, इसको या फिर इसको, दोनों में से एक मैट्रिक्स इस तरफ भेजना, ठीक है, किसको भेजते, इसको सिंपल, तो ये माइनस में रहेगा, माइनस अंदर भेजना पड़ेगा, नहीं तो इसको भी भेज दो, चलो तो माइनस 7 0 0 माइनस 7 0 0 0 0 ये मैट्रिक्स माइनस में इस तरफ आके प्लस में के 0 जीरो के, क्लियर, के की बैटरी वैल्यू आराम से पता चल रही है, माइनस 7, ओके हाँ ये एडिशन करने के बाद डायरेक्ट मत लिखना, तो माइनस 7 0 0 माइनस 7 यहाँ पे जीरो के साथ ऐड होने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ओके माय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के इज इक्वल टू माइनस 7, एकदम इजी क्वेश्चन, ओके करो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 10 देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 10, 9 जैसा है, सिर्फ वहां पे के नहीं निकालना है आपको, जो कुछ भी सीक्वेंस दिया है ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा सिर्फ बताना है, ओके नहीं प्रूव करना है, वो इज इक्वल टू जीरो, सबका आंसर जीरो आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, LHS RHS के हिसाब से कर लोगे ना, होमवर्क लेना वो, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर जाना, 10 के बाद 12, सेम देखो के निकालना है, कर सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i, समझ में आया, कर सकते हो ना, ठीक है वो भी होमवर्क लेना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखना, 11 में आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है, दो मैट्रिक्स दिया है, a is equal to 1 2 minus 1 minus 2 and b is equal to 2a minus 1 b, और उन्होंने एक सीक्वेंस ऐसा दिया है कि
ए प्लस बी, मतलब एक इक्वेशन बना के दिया आपको ऐसे, और वो बोल रहे फाइंड दिस ए एंड बी, ये निकाला है स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, कैसे करोगे, कैसे दिमाग चल रहा है आपका, बोलो कितने लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि मैं पहले ए प्लस बी निकालू उसके बाद उसका स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी पहले दोनों का निकालेंगे एडिशन करके, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और इस तरफ ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए एंड बी इंटू बी ऐसे करेंगे, समझ में आ रहा है। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है ना मैट्रिक्स में, और बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, बी इंटू बी। सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ए प्लस बी एड करने के बाद हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन सेकेंड, ये मल्टीप्लीकेशन थर्ड, ये मल्टीप्लीकेशन बाद में, इन दोनों का एडिशन बाद में, कंपेरिजन करोगे। इससे अच्छा इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई मतलब सोचोगे कि ऐसा कुछ कि 10th में हमें फॉर्मूला था ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसा सिंप्लीफिकेशन मैट्रिक्स में नहीं होता है, अलजेब्रा का रूल नहीं लगता है। क्लियर, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो सिंपल वैसे लिखोगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बट ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं करोगे। ओके, क्यों बता दो, ये तो आप ए स्क्वायर को आप ए स्क्वायर ही लिखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आता है ना, ये सिर्फ ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ए इंटू ए इट इज सिंपल ए स्क्वायर, ए इंटू बी ये क्या बन जाएगा ए बी। क्लियर है, ये समझ में आया। सिमिलरली ये बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी इंटू ए इट इज बी ए, एंड बी इंटू बी सिंपली बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस, तो ये और ये सीधा कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सिमिलरली ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये और ये दोनों तो सेम ही है ना, ए बी प्लस बी ए करोगे तो टू ए बी आएगा। सोचो मैंने बताया था कुछ, याद करो, ए बी प्लस बी ए करोगे तो टू ए बी आएगा ना इसके जैसा। हाँ सोचो थोड़ा सा, गलत कर रहे हो। ये याद आ रहा है कि मैंने ऐसे बताया था कि मैट्रिक्स में ए बी इज इक्वल टू बी ए हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं होते। ओके, मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था कि अलजेब्रा में 5 इंटू 3 इट इज 15 एंड 3 इंटू 5 ऑल्सो 15, बट मैट्रिक्स में होगा नहीं बता सकते। क्लियर, तो इसके वजह से मुझे नहीं पता कि ये दोनों सेम है, तो इसके वजह से मैं इनका एडिशन नहीं कर सकता, मतलब बी ए के जगह ए बी नहीं एज्यूम कर सकता और इन दोनों का एडिशन नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच रहा है, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू सिंपल जीरो, इस तरफ जीरो ना। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, बी ए को उस तरफ भेज देता हूँ, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर, चलो ए बी लिखते हैं फटाफट, ए बी 1 2 -1 -2, बी इज 2 ए -1 बी इज इक्वल टू माइनस बी इज 2 ए -1 बी एंड ए इज 1 2 -1 -2। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ रो बाय कॉलम, बोलो पहला नंबर -2, नहीं रो पहला नंबर 2 ही आएगा, गलत कर रहा, उसके बाद -2 करेक्ट है। हाँ, रो बाय कॉलम पहला क्या आएगा ए, उसके बाद ये प्लस 2 बी। ओके, ये रो बाय कॉलम के हिसाब से -2 और ये +2 और यहाँ पे आएगा -2 बी इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज रख दो, मल्टीप्लाई करो रो बाय कॉलम, 2 - a, दिस इज 2 2 4 -2 a और ये -1 -b, ये क्या बन जाएगा -2 और -2 b। करेक्ट क्या, ठीक है, सिर्फ ये माइनस अंदर भेजना, इसको मत भूलना, ये गलती मत करना, ये माइनस अंदर जाएगा। वहां पे देखो 2 - 2 तो 0 बन जाएगा, ये a प्लस 2 b
वो भी नीचे वाला जीरो माइनस ए माइनस टू बी, ठीक है। अगर ये अंदर जाता है तो ए प्लस में टू माइनस में, तो ए माइनस टू लिख सकता, क्लियर। और यहाँ पे ये अंदर जाता है तो टू ए माइनस फोर साइन चेंज होगा सिंपल, ये मैं वन प्लस बी या फिर बी प्लस वन कुछ भी लिखो, और इसको मैं टू प्लस टू बी, जिससे आराम से आंसर आ सकता है उसको कंपेयर करो, जैसे कि ये और ये कंपेयर करना, आराम से आंसर निकलेगा। अगर ये कंपेयर करोगे तो इक्वेशन बन जाएगा आपका, क्लियर। ओके, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो ए माइनस टू इज इक्वल टू, पहले तो जीरो मिल रहा है, सो ए इज इक्वल टू सिंपली टू। ओके, दूसरा कंपैरिजन कहाँ पे होगा, इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो सिंपल बी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। लिखो, देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56 पर क्वेश्चन 13 14 दोनों सेम है, उसमें से मैं 14 सॉल्व करता हूँ, 13 आपको होमवर्क करना है, होमवर्क नहीं यहीं पे करना है। ओके, चलो इसमें देखो एक्स वाई जेड तीन वैल्यू निकालने, तो एक्स वाई जेड देखो यहाँ पे ये वैल्यू निकालने, एक्स वाई और ये जेड इनकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे पूरा इक्वेशन आराम से देखना है, पूरा फॉर्मेट देखना, पहली चीज क्या करनी पड़ेगी आपके दिमाग में क्या आ रहा है, फर्स्ट क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के भी अंदर देखो, हाँ 3 अंदर मल्टीप्लाई 4 अंदर मल्टीप्लाई। ओके, तो ब्रैकेट को वैसे ही रख दो और ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6 0 0 6 6 6, और ये माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई, तो ये 4 4 माइनस 4 8 12 और 4, वेरी गुड। ये ब्रैकेट क्लोज आ गया, आएगा 1 2, और ये एक्स माइनस 3 y माइनस 1 2 z, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब ओल्ड पोर्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ, ओल्ड पोर्शन में भी ये क्वेश्चन था। उसके बाद ये सॉल्व करोगे ब्रैकेट, ओके, तो 6 माइनस 4 इट इज सिंपली क्या आएगा यहाँ पे 2, आगे का नंबर बोलो माइनस 4, समझ में आ रहा है ना, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, ये क्या होगा प्लस 4, क्यू प्लस 4। ओके, उसके बाद 6 माइनस 8 क्या आएगा, ओके बोलो -6, साइन के साथ बोलना आराम से, ठीक, +2 ना, ओके 1 2, एक्स माइनस 3 वाई माइनस 1 2 z। ओके, अब इनमें क्या प्रोसीजर है, मल्टीप्लीकेशन रो बाय कॉलम, ठीक है, इस रो को उठाओ और यहाँ पे सिंपल एक ही कॉलम है, मल्टीप्लाई कर दो, सो फर्स्ट नंबर बोलो 2, उसके बाद -8, करेक्ट है, ये रो मल्टीप्लाई हो गया और कुछ कॉलम नहीं है। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को चांस देंगे, ये स्टार्ट करेगा मल्टीप्लाई करने को, सो 4 इंटू 1 4 और -4। ओके, उसके बाद ये भी हो गया, अब ये -6 +4 एक्स माइनस 3 वाई माइनस 1 2 z, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है ये -6 आएगा, ये 0 आएगा और ये -2 आएगा, और ये कंपैरिजन होगा इसके साथ, सिंपल आंसर कंप्लीट करने के लिए बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कंपेयर करो, ठीक है। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मुझे ये पता चल रहा है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, -6, अगर x माइनस 3 इज इक्वल टू -3 होगा तो x इक्वल टू -6 +3, सो सिंपल x इक्वल टू क्या आएगा -3, ये हुआ। उसके बाद y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो सिंपली y इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद 2z इज इक्वल टू -2, 2z इज इक्वल टू -2 ना, सो z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -1, सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 आपको ऑफिस सॉल्व करना है सेम इसके जैसा है। ओके, इसके बाद करो, ये पहले लिखो उसके बाद क्वेश्चन 13 करना। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का ना, 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, 13 का एक्स का आंसर क्या है, एक्स इक्वल टू व्हाट कितना, और वाई, वेरी गुड। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 15 वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा है जय एंड राम आर टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स है
जय वॉन्ट टू बाय 4 पेन एंड 8 नोटबुक एंड राम वॉन्ट टू बाय 5 पेन एंड 12 नोटबुक। अब इसका हमें मैट्रिक्स बनाना है, तो ऐसे नाम लिखता हूं, एक जय दूसरा राम, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखता हूं। अब जय को कितने पेन चाहिए, 4 पेन एंड 8 नोटबुक, राम को 5 पेन एंड 12 नोटबुक। तो ये पूरा पेन का कॉलम हुआ ना, तो यहाँ पे लिखना ये नंबर ऑफ पेन, ऐसे एरो लिख के लिखना, उनको समझ में आना चाहिए नंबर ऑफ पेन, और ये क्या बन जाएगा नंबर ऑफ नोटबुक। क्लियर। उसके बाद वो बोल रहे प्राइस ऑफ वन पेन, एक पेन की प्राइस एंड वन नोटबुक वॉज रुपीज 6 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। मतलब पेन की प्राइस 6 है और इसकी प्राइस 10 है, सॉरी नोटबुक की प्राइस 10 है। क्लियर। तो हमें पता करना है कि यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फाइंड अमाउंट द ईच ऑफ देम रिक्वायर्ड फॉर बाइंग द पेन एंड नोटबुक। मतलब सिंपल है, कितनी अमाउंट लगेगी। अब देखो मैट्रिक्स नहीं होता ना, तो हम डायरेक्टली आंसर बता दें। अगर चार पेन बाय कर रहा है, एक पेन की प्राइस 6 है, तो पेन के लिए कितना रुपया लगेगा, 24। और 8 नोटबुक बाय कर रहा है, ऐसे 10 रुपए की एक नोटबुक है, तो 80 रुपीज लगेगा। तो इन दोनों का एडिशन करके मैं बता सकता हूँ कि जय के पास इतने रुपए होने चाहिए इन दोनों का एडिशन करके, सिंपल कैलकुलेशन में। बट यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लीकेशन ही किया ना, ये नंबर ऑफ पेन्स विद मल्टीप्लाई विद प्राइस, नंबर ऑफ नोटबुक मल्टीप्लाई विद प्राइस, तो मुझे एक प्राइस का एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स बनाते 6 एंड 10। 6 इज वॉट प्राइस ऑफ वन पेन। क्लियर। और ये क्या बन जाएगा, प्राइस ऑफ वन नोटबुक, सॉरी। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करूं 4, 8, 5, 12 किसके साथ, 6, 10 के साथ। क्लियर। ओके, रो बाय कॉलम के हिसाब से, ये रो और ये कॉलम कितना होगा, 6, 4, 24 जैसे मैंने बताया था अभी, और 8 into 10 दिस इज 80। क्लियर। 6, 5 कितना होगा, 30, और ये क्या बन जाएगा, 120। ओके, ये टोटल कितना आएगा, 104 ना, और ये 150। ठीक है, ये किसके लिए, जय के लिए, और ये किसके लिए, राम के लिए। ठीक है, तो पूरा आंसर लिख सकते हो ना। आंसर कैसे लिखोगे, फाइंड द अमाउंट ईच वन ऑफ देम रिक्वायर फॉर बाइंग। ऐसा लिख सकते हो किसके लिए, जय, सॉरी अमाउंट रिक्वायर फॉर जय ना, कितना आएगा, रुपीज 104, एंड सेम लिखना रुपीज 150। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, अब फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये है ना, मैंने कॉलम मैट्रिक्स क्यों लिखा, मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, सोचो। ये मानता हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया, चार नंबर है आराम से लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है इसमें, क्यों, देखो यहाँ पे 2 by 2 का है ना, इसके ऑर्डर देखो 2 row 1 column, इसके ऑर्डर देखो 1 row 2 column। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो मैंने बताया था कि ये दोनों सेम होने चाहिए। क्लियर, यहाँ पे सेम आ रहे नहीं, बट यहाँ पे सेम आ रहे, ये अंदर के दो नंबर ये और ये। क्लियर, तो इसके वजह से ये कॉलम में ही जाएगा। नहीं तो लॉजिक भी लगा सकते हो कि पेन मल्टीप्लाई विथ प्राइस ऑफ पेन एंड नोटबुक मल्टीप्लाई विथ प्राइस ऑफ नोटबुक, ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो। क्लियर, चलो लिखो।